आपको एक्सेल यूज करना है तो एक्सेल पे आपको डबल क्लिक करना है ओपन करने के लिए दोस्तों अभी के समय में आप कोई भी कंप्यूटर परचेज करें डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सभी कंप्यूटर में विंडो टेन इंस्टॉल करके मिलता है आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं अगर उसमें विंडो टेन नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में भी विंडो टेन करके विंडो टेन पे काम कर सकते हैं सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने एंड्रॉइड फोन में विंडो टेन इंस्टॉल करके जिस तरीके से कंप्यूटर में विंडो टेन पे काम करते हैं सर वैसे ही आप अपने एंड्रॉइड फोन में भी कर सकते हैं तो बिना टाइम एस किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक किसी भी एंड्रॉइड फोन में विंडो टेन यूज करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करना है सर्च बॉक्स में क्लिक करके आपको टाइप करना है कंप्यूटर लॉन्चर तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर लॉन्चर ये जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं इस वाले एप्लीकेशन को किसी भी एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करके विंडो टेन की तरह ही एंड्रॉइड फोन में यूज कर सकते हैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है अब आप इसे आपको करना है ओपन जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन का यूज भी विंडो टेन की तरह ही करना है जैसे मान लीजिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है तो स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करके आपको होल्ड करना है नीचे दिया हुआ है क्रिएट फोल्डर इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पर देना है फोल्डर का नाम है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माई फाइल से और यहाँ पे डरने वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया दोस्तों इसी तरीके से अगर वॉल चेंज करना हो तो स्क्रीन पे क्लिक करके आपको होल्ड करना है ये दिया वाल पेपर इस पे क्लिक कर देना है वॉल पेपर पे क्लिक करके जो भी वॉल पेपर आपको अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर मैंने इस वाले वाल पेपर पे क्लिक कर दिया यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ ओके okay पे क्लिक कर दिया अब मैं यहाँ पर बैग आ जाता हूँ तो ये यह देखिए यहाँ पे वॉल पेपर सेट हो गया यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है दिस पीसी जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देना है कंप्यूटर का नाम है जब आप किसी भी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको देना पड़ता है कंप्यूटर का नाम है वैसे यहाँ पर आपको कोई भी एक नाम दे देना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस डिस्पीसी यहाँ पे ओपन हो गया यह दिया हुआ है लोकल डिस्क सी और इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डाउनलोड पिक्चर वीडियोज जैसे एक विंडो टेन में होता है क्लोज करने के लिए राइट हैंड साइड में टॉप में क्लोज का बटन है उस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे डेस्कटॉप पर जितने भी आप आइकॉन देख रहे हैं जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके एंड्रॉइड फोन में जितने भी अप्लीकेशन है आपको यहाँ पे दिखा देगा जैसे मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे लाना है एक्सल तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ एक्सेल का आइकॉन है इस इसमें क्लिक करके होल्ड करना है यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कंप्यूटर में आता है पिन टू टास्क बार प्रोपर्टीज अन क्रिएट शॉर्टकट हमें यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट शॉर्टकट पर तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सेल यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड में बॉटम में दिया हुआ है मैसेज का सिंबल है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे विंडो 10 में आपको दिखाता है ब्लूटूथ वाईफाई लोकेशन हॉटस्पॉट सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपको जो भी यूज करना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और दोस्तों कंप्यूटर के साथ साथ एंड्रॉइड फोन के भी सारे फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे मान लीजिए आपको कॉल लगाना है टास्क बार में लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन कॉलिंग का है इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी को भी कॉल लगा सकते हैं इसके बाद यह हुआ है मैसेंजर ये देखिए मैं यहाँ पे बैग आ जाता हूँ इसके बाद यह है ब्राउजर ये देखिए तो यहाँ पर मैं बैग आ जाता हूँ जब आप टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कंप्यूटर में आपको दिखाता है वैसे आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है आप यहाँ पे दे सकते हैं कॉन्टैक्ट ओपन करने के लिए टाइम के बगल में दिया हुआ है कॉन्टेक्ट का ऑप्शन इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में सेव है आपको यहाँ पे दिखा देगा आप कंप्यूटर के साथ साथ एंड्रॉइड फोन का भी यूज आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आपको सर्च करके ओपन करना हो तो स्टार बटन पे क्लिक करके ऊपर दिया हुआ है सर्च का बटन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन का आपको नाम टाइप कर देना है जैसे मुझे एमएस वर्ड को दिखाना है टास्क बार में तो मैंने पे सर्च किया वर्ड यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करके मैंने होल्ड किया हुआ है तो राइट हैंड साइड में सारे ऑप्शन आ गए मुझे इसे दिखाना टास्क बार में तो सबसे नीचे दिया हुआ है पिन टू टास्क बार मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टास्क बार में हमारा एमएस वर्ड आ गया मान लीजिए आपको एक्सेल यूज करना है तो एक्सेल पे आपको डबल क्लिक करना है ओपन करने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्लैक पेज ले लेना है जैसे कंप्यूटर पे एक्सेल पे काम करते हैं वैसे आप यहाँ, यहाँ पर भी एक्सेल में काम कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ जैसे कंप्यूटर में विंडो टेन में सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी सेटिंग का कर यूज करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है पावर के बटन में दिया हुआ है सेटिंग का बटन इस इसपे क्लिक कर देना है यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे बैकग्राउंड थीम टास्क बार कलर वैसे यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी सिस्टम एप्स एडवांस फीचर बैकअप एंड रिस्टोर जैसे कंप्यूटर में सेटिंग होता है वैसे आप यहाँ पर भी सेटिंग कर सकते हैं आपने देखा दोस्तों एंड्रॉयड फोन में विंडो टेन इंस्टॉल करके एंड्रॉयड फोन में ही विंडो टेन यूज कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में विंडो टेन का यूज किया जाता है तो आशा करता हूँ गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा तो आज के इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके थैंक्स